नागौर में सेना भर्ती रैली आयोजित कराने की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान करीब दो दर्जन युवाओं को लेकर हनुमान बेनीवाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। युवाओं की टीम में सिर्फ राजस्थानी नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के युवक भी शामिल थे जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुलाकात हुई वो बिल्कुल पॉजिटिव थी और लोकसभा के अंदर भी हमने इस मामले को पुरजोर करके जो बताया पिछले दो साल के अंदर सेना भर्ती की जो रैलियाँ हो रही है वो आयोजित नहीं हो रही है, कई जगह एग्जाम दे दिए, फिजिकल प्रोग्रेस फिर भी उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है और एयरफोर्स का जो और नेवी का ये भी एग्जाम होने के बाद कई जगह रिजल्ट नहीं और विशेषकर सेना भर्ती रैलियाँ आयोजित करने को लेकर हमने कहा जो अधिकारियों की भर्ती हो रही है उनका अलग एक सिस्टम है, उसकी बच्चों की बच्चों की भर्ती होनी चाहिए। इसके अंदर दो साल जो कोरोना में बच्चों कोरोना की वजह से जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार दूसरी नौकरी में छूट दे रही तो आप इसके अंदर दो साल की छूट देते हुए सेना भर्ती की तारीख की घोषणा करें और आप बहुत उम्मीद रखें देश का युवा जिसके अंदर तमाम स्टेट के बच्चे हैं साथ हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल के अंदर और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंत्र पे इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया है, उनके लेकर के अंदर बैठे हैं, पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पार्लियामेंट चल रही है हमारी सरकार सुनेगी और राजनाथ सिंह जी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही आपको खुशखबरी देंगे और उम्मीद मैं भी करता हूँ बच्चों की सेना पत्र रैलियाँ और तमाम मामले 5 से 7 दिन के अंदर।